सो अगर आपको बिजनेस चलाना है, माइंडसेट अगर ऐसी डेवलप करनी है, नॉलेज लेना है, तो अगर नॉलेज में सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो है मार्केट का एक फालतू सा रूल जो चलन में है, दैट इज जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको अभी आपका प्रोडक्ट बना है क्या, आपके अभी आइडिया सारे दिमाग में है, करेक्ट? नाउ ये आपके लिए बिजनेस बैच का पहला रूल और पहला लेसन होगा, दैट इज सबसे पहले यू आर अ प्रोडक्ट, यू ऑल आर अ प्रोडक्ट। एक बहुत टाइम पहले अभी एक साल हो गया लगभग, मैंने कोट पढ़ा था कहीं पे कि एवरी टाइम समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट, देयर इज नो फ्री लंच, देयर इज नो फ्री लंच। ठीक है, तो अब अगर आप प्रोडक्ट हो तो आप बिकने वाले हो मार्केट में, यहां पे खरीदार हैं, और क्या रूल है मार्केट का, जो दिखता है वो बिकेगा। तो यहां पे दिखने वाली चीज कौन है, आप लोग हैं। अब आप लोगों को खरीदने के लिए बोलेंगे, तो अब आपको दिखना है, तो दिखने के लिए क्या अच्छा करोगे, दिखने के लिए हाय नोटबुक उसको दे दो, आ जाओ ऊपर, इसको खरीदना है, लगाओ बोली, लगाओ लगाओ बिंदास लगाओ, हे भाई 200 उसकी घड़ी देख रहा है, तेरा घर जाएगा इतने में, इस पे बोली लगेगी। मान लो इफ यू हैव टू एक्चुअली परचेज दिस प्रोडक्ट, और आप अभी इससे बात नहीं कर सकते, इसकी इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है, फिर भी आपको खरीदना है, आप क्या देख के जज करोगे, अपीयरेंस, ड्रेस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, प्रेजेंटेशन, उसका प्रोडक्ट का विजुअल प्रेजेंटेशन। सो यू आर अ प्रोडक्ट, आपका विजुअल प्रेजेंटेशन नेक्स्ट लेक्चर से आना चाहिए। जिनको पता है बिजनेस बैच का पहला रूल क्या है, यू हैव टू बी ऑलवेज इनफॉर्मल फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रेस अप प्रॉपरली, आप अपने आप को बेच सको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू विल सी कि कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होता है। एवरी टाइम यू टेक एफर्ट टू ड्रेस योर सेल्फ, यू फील लाइक विजिटिंग समवेयर एंड पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज। प्लीज राइट सेट ऑफ नॉलेज, अच्छा नॉलेज हमने ले लिया, कितने लोग आपने ऐसे भी लाइफ में देखे होंगे उनका बहुत सारा नॉलेज है बट फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, एज ऑफ द कैपेसिटी पे कभी किसी ने वर्क नहीं किया। लाइक अगर आपके 100 पुशअप मारने की कैपेसिटी है, आपने 90 ही मारे, आपने फुल इंप्लीमेंटेशन करना था, आपने एक सर्टेन लेवल पे इंप्लीमेंटेशन करके छोड़ा हुआ है, राइट, आप कभी उसके आगे गए नहीं। नाउ रीजन इज बिकॉज फुल कैपेसिटी किसी को भी नहीं पता है, किसी को भी फुल कैपेसिटी नहीं पता है, राइट? बिजनेस करने कितनी कैपेसिटी, कैपेसिटी कैसे मेजर होगी ये किसी ने नहीं बताया बिजनेस में, राइट? बिजनेस के गोल्स बताए हैं आप लोगों को, लाइक बिजनेस का गोल क्या होता है, प्रॉफिट, और बिजनेस के अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग गोल होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल गोल, जहां पे आप डिसाइड करते हो कि मेरे को कितना प्रॉफिट कमाना होता है। एक होता है टीम गोल, जहां पे अपने टीम के सेटिस्फेक्शन लेवल को आप कैसे बनाओगे। एक होता है आपका ब्रांड गोल, कि आपका ब्रांड कितने लेवल पर रीच होना चाहिए। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं बिजनेस के आपके, सॉरी गोल्स होते हैं आपके, राइट? एंड वंस यू हैव अ माइंडसेट कि अब मुझे बिजनेस करना, विद जो फियर है लूजिंग आउट का वो आपने छोड़ा हुआ है, एंड यू आर डेवलपिंग द सेट ऑफ नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड है, जो आपके सेशंस में आगे पूरे कवर अप होने वाले हैं, ठीक है, एंड वर्किंग ऑन द एज ऑफ द कैपेसिटी। आप लास्ट याद रखो, माइंडसेट, सेट ऑफ नॉलेज, एज ऑफ कैपेसिटी, राइट? ये तीन चीजों से, ठीक है, यू हैव टू रीफोकस, रीगैदर योरसेल्फ टू डेवलप अ बिजनेस, ओके?